एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज है संडे और अभी मॉर्निंग का 9 o'clock हुआ है। हम लोग सब नहा धो के एकदम तैयार हो गए हैं। आज हम ना सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे, आई थिंक 6:30 मेरी नींद खुल गई थी और फिर 7 o'clock तक अंशुल और गोविंद भी उठ गए थे। तो उठने के बाद हम लोगों ने काफ़ी कुछ घर क्लीन अप कर लिया है क्योंकि कल से वीक स्टार्ट हो रहा है और अब रेगुलर वीक चलेगा, कोई भी वीक के बीच में छुट्टी वुट्टी नहीं होगी। सो अब गियर अप होना है, थोड़ा जल्दी उठने की फिर से आदत डालनी है। गोविंद का स्कूल स्टार्ट होने वाला है कल से, तो अभी तो मेरी भी मौज चल रही थी, विंटर वेकेशन चल रही थी, बट अब वेकेशन ख़त्म, कल से बैक टू नॉर्मल रूटीन। और अभी बन रहा है ब्रेकफास्ट, अभी आज कुछ स्पेशल ब्रेकफास्ट बना रहे हैं मेरे मिस्टर हबी, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या बन रहा है। सो मिस्टर हबी, आज क्या बना रहे हो आप? आज मैं स्पेशल बना रहा हूँ, आज मैं तुम्हारे लिए ब्रेड पिज्ज़ा बना रहा हूँ, हेल्दी ऑप्शन, बहुत कम इसमें फैट्स का इस्तेमाल करूँगा, तो मैं फेवरेट सब्जियाँ डाल रहा हूँ। थैंक यू। तो ये देखिए, ये हुई है प्रेपरेशन। मैं तुम्हारी सारी फेवरेट सब्जियाँ यहाँ पर ले ली है, थोड़ी सी मैंने टोमेटो केचप टाइप का लिया है बेस में लगाने के लिए, थोड़ा सा मैं इसमें मेयोनीज भी लगाऊंगा और तुम्हारी फेवरेट टैमरिंड सॉस भी लगाऊंगा। चीज़ लिया है, देखो लो मॉइस्चर पार्ट्स के हम लिया है ताकि हेल्दी रहे। ये थोड़े से कॉन्डिमेंट्स हैं जो मैं डालूंगा तो दिखाता हूँ। तुम्हारे लिए ओट नट ब्रेड ली हुई है यहाँ पर, धनिया चॉप किया हुआ है, प्याज, हरी मिर्च, इसके सारे बीज निकाल दिए मैंने, टमाटर और ये तुम्हारी फेवरेट बनाना पेपर स्पेशली तुम्हारे लिए। और ये बीज इसलिए निकाले ना जिससे कम स्पाइसी हो, स्पाइसी कम रहे। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे डिफरेंट शेप्स बनाई जा रही है स्पेशली फॉर गोविंद। पास्ता सॉस है, इसको मैंने थोड़ा थोड़ा सब पे लगा दिया है। इसके बाद मैं हल्की सी मेयोनीज लगाऊंगा। मेयोनीज बेस में बहुत टेस्टी लगती है। तो ये देखिए, पास्ता सॉस, मेयोनीज और टैमरिंड स्प्रेड कर दी गई है सब ब्रेड पीसेस पे। इन वाले ब्रेड पीसेस पे टैमरिंड नहीं लगाई है क्योंकि टैमरिंड सिर्फ मुझे पसंद है, तो मेरे वाले पीसेस पे टैमरिंड लगाई गई है और बाकी पे पास्ता सॉस और मेयोनीज़। बेसिकली टॉपिंग्स आप अपने पसंद की, जो आपको पसंद है आप वो इसके ऊपर डालो, कॉर्न, पनीर या जो भी आपको पसंद है, मटर वटर जो भी। मैंने सबके ऊपर नमक डाल दिया है, थोड़ी सी क्रश रेड चिली पेपर, थोड़ी सी इटालियन सीजनिंग एंड थोड़ी सी बेसन। और अब सबके ऊपर मैं थोड़ा सा मोजरेला चीज डाल दूंगा। और इसे ना आप तवे पे ही बना सकते हो क्योंकि ब्रेड है, ब्रेड आप तवे पे अच्छे से सेक सकते हो। अगर आप ओवन में जाओगे ब्रेड सेकने तो शायद जल जाएगी ना, अगर हम बेक करेंगे तो। हाँ, थोड़ी सी जल भी सकती है या फिर कड़ी सी हो सकती है, तो इसको बेस्ट है तवे पर, इसलिए मैंने ब्रेड चूज करी है। मैंने यहाँ पे तवे पर थोड़ा सा ग्रीसिंग करके हल्का सा इसको हीट करके और लो गैस करी है, गैस लो रखी है। इसके बाद में इस पे बाइट रख। इसको ढक के पकाना है, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास देसी जुगाड़ है, मैं परात से इसको ढक रहा हूं। बाष्पित हो गए, वाओ, लुक्स यमी। स्टीम से ना सारी ये जो चीज है वो थोड़ी सी मेल्ट हो गई है और अच्छे से हमारे पिज्जा बाइट्स रेडी हो गए हैं। तो बस अब इसे सर्व करते हैं और टूट पड़ते हैं। और ये देखिए, हमारे यम्मी पिज्ज़ा बाइट्स एकदम बन के रेडी हैं गर्मा गर्म। अभी नेक्स्ट बैच अंशुल सेक रहे हैं, बट मन कर रहा है कि अभी इसे खा लो। आज का ब्रेकफास्ट बहुत यमी बना था और वो ब्रेड पिज्ज़ा ना बनाना भी बहुत आसान है, क्विकली बन जाता है, लाइक 15-20 मिनट्स में आपकी रेसिपी पूरी तैयार हो जाएगी। एंड ये ना टी टाइम स्नैक्स के लिए भी बहुत अच्छा है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने क्रिएशंस हम लोगों के साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करिएगा। वैसे कितने लोग अग्री करते हैं कि अपने हाथ से बनाए हुए खाने से ज़्यादा टेस्टी लगता है हबी के हाथ का खाना? मुझे तो जो अंशुल बनाते हैं ना वो बहुत टेस्टी लगता है, अपने हाथ से ज़्यादा टेस्टी लगता है, कॉमेंट्स में बताना।
गोविंद को थोड़ा सा स्पाइसी लगा, बट उसने भी एक पीस तो खा लिया, एंजॉय कर लिया पिज्जा। कुछ वीडियोस पहले मैं आपको बता रही थी कि मेरे थोड़े से वाइट बाल आ गए हैं, तो अभी इन्हें कलर करना है। तो मैं कोई केमिकल कलर अपने बालों के लिए नहीं यूज़ करती हूँ, मैं नुपुर की जो मेहंदी आती है ना हिना, वो यूज़ करती हूँ। आप मेरे हाथों से भी देख सकते हो, मेरे हाथ स्टेन्ड है। मैंने कल शाम को लगाई थी अपने बालों में मेहंदी, और मेहंदी लगाते वक्त मुझे ग्लव्स नहीं मिल रहे थे, तो मैंने सोचा छोड़ो यार ग्लव्स हाथ से लगा लो, अगर ग्लव्स के लिए वेट किया ना फिर मेहंदी नहीं लग पाएगी। तो कल मेहंदी लगा के पानी से सिंपल वॉश किया, और आज मैं ऑयलिंग करके अच्छे से फिर ओवरनाइट रखूंगी ऑयलिंग, और कल मैं फिर शैम्पू से वॉश करूंगी। तो जो भी एक्सेस कलर होगा ना बालों का और स्कैल्प का, वो निकल जाएगा, और फिर बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं बाल, एकदम डीप कंडीशन एंड नेचुरल सा जो कलर होता है ना वो आ जाता है। तो मैं हर 2 या 3 महीने में लगाती रहती हूँ इस तरीके से मेहंदी अपने बालों में। I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Something that's kinda fake to me now. I wanna wake up with you. में ना आपको कुशन कवर्स के, बेडशीट्स के इस तरीके के प्रिंट्स नहीं मिलेंगे जिसमें बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स होते हैं या फिर प्रिंटिंग होती है। तो जो भी इंडिया जा रहे हैं ना, मैं आप सबको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको अपने घर को इंडियन टच देना है ना, तो इंडिया से बेडशीट कुशन कवर ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि वहाँ के प्रिंट्स ना अनबीटेबल होते हैं। आपको पता है ये कुशन कवर ना मैंने रोड साइड मार्केट से लिया था, जो दिल्ली से होंगे उन्हें पता होगा तिलक नगर मार्केट, मैं और मम्मी ऐसे ही बस घूमने गए थे, एंड वहाँ पे एक रोड साइड पे एक आंटी ने शॉप लगा रखी थी। ये सारे कुशन कवर्स मैंने वहीं से खरीदे थे और बहुत सस्ते थे। मैंने 3 पीसेस खरीदे थे डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के, तो 2 मैंने पहले लगाए थे कॉम्बिनेशन में, आज मैंने ये वाले लगाए हैं पिकअप डिज़ाइन। मुझे बहुत ज़्यादा मन कर रहा था चेंज करूं, क्योंकि दिवाली के टाइम वो लगाए थे और आंखों को ना बोर लगने लग गए थे, तो मैंने सोचा चलो अब चेंज करते हैं। तो वो सब डाल दिए धुलने में और नई सी लग रही है सोफ़ा। अगर कवर चेंज कर दो, कुशंस चेंज कर दो ना, तो ऐसी नई वाली फीलिंग फिर से आने लग जाती है। अभी हम लोग आए हैं होम डिपो। घर पे ना थोड़े से और प्लांट्स लगाने का मेरा मन था, तो सोचा चलो थोड़े से प्लांट्स लेकर आते हैं। और होम डिपो पे ना बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स, प्लांटर सब कुछ मिल जाता है, तो मुझे ये ना काइंड ऑफ वन स्टॉप शॉप लगती है। जब भी कुछ भी गार्डनिंग का खरीदना होता है ना, मैं यहीं आके खरीदती हूँ। और यहाँ पर देखिए हमने सेट किया है अपना ग्रीन कॉर्नर। ये टेबल ना हमारी बाहर रखी हुई थी पैटियो में, विंटर्स में काम नहीं आती थी, तो हम अंदर ले आए। और ये आपको पता है टेबल जो क्लॉथ हमने लगाया है प्लास्टिक का है, डॉलर ट्री से मैंने पता नहीं बहुत टाइम पहले लिया था, और एज इट इज़ रखा हुआ था, तो सोचा ये यूज़ कर लेते हैं। और नीचे मैंने एक मूविंग ब्लैंकेट लगा दिया जिससे कि कारपेट गंदा ना हो। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हम लोग कौन कौन से प्लांट्स लेकर आए हैं होम डिपो से। ये मनी, ये मनी है, और ये बुद्धा, और ये न्यू आया, और ये भी न्यू आया। ये न्यू लेकर आए हो आप? यस। कहाँ से? मैं होम डिपो, होम डिपो से लेकर आया। एक ये इंडोर प्लांट लेकर आई हूँ, एयर प्यूरिफायर की तरह काम करता है, और देखने में भी बहुत कलरफुल इसके लीव्स हैं, ग्रीन, येलो, रेड, तो एक ये लिया मैंने। और उसके साथ मैंने इसके लिए लिया है एक प्लांटर, ये देखिए कितना सुंदर इस पे डिज़ाइन हो रखा है, और प्लेट भी इसी के साथ की है। और ये प्लांटर ना बहुत एक्सपेंसिव था, $15 का एक ये प्लांटर, मुझे पसंद आया तो मैंने एक ही प्लांटर लिया है। और ये हम लेकर आए हैं एक छोटा सा एलोवेरा, ये छोटा एलोवेरा आई थिंक $3 या $4 का ही था, तो मैंने कहा चलो थोड़ी खूबसूरती बढ़ाएंगे, एलोवेरा घर पे उगाएंगे, लगाएंगे फिर अपने फेस पे, तो एलोवेरा लिया। और इसके लिए मैंने कोई प्लांटर नहीं लिया क्योंकि प्लांटर्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं होम डिपो पे, तो मेरे पास एक ये ग्लास जार रखा हुआ था डॉलर स्टोर का बहुत टाइम पहले का, तो सोचा यही वाला हम यूज़ कर लेंगे एज प्लांटर। समटाइम्स ना
आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होती अगर आपको अपना मन खुश करना है तो. ऐसी छोटी छोटी चीजें भी ना बहुत खुशी देती है मन को. लाइक मुझे ग्रीन्स देखना ना घर में बहुत पसंद है. और ये अंशुल से मेरा बहुत बार डिस्कशन होता था कि ये टेबल हम अंदर लेकर आएंगे और इस तरीके से ग्रीन कॉर्नर बनाएंगे. तो हमने एक प्लांट के साथ स्टार्ट किया था. ये मिंट का प्लांट है ना, आप मेरे कुछ व्लॉग्स पहले देखना, मैंने इतना सा प्लांट आपको दिखाया था. एक्चुअली ये प्लांट पूरा डाई आउट हो चुका था, जब स्नोफॉल हो रहा था तो ये बाहर रखा था, पूरा जा चुका था ये प्लांट हमारा मिंट का. तो इसके जो सूखे हुए पत्ते थे ना, वो अंशुल ने सॉइल के अंदर डाल दिए और प्लांट फूड डाल दिया. एंड ही वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि यार ये ग्रो करेगा. मैंने बोला नहीं यार ये पूरा प्लांट जा चुका है, अब नहीं करेगा. बट ही सेड कि चलो कुछ दिन रख के देखते हैं. तो हमने किचन काउंटर पे इसको रखा एंड कुछ दिन बाद एक्चुअली छोटे छोटे पत्ते ना निकलना शुरू हुए. फिर मुझे लगा यार ये ग्रो कर सकता है. फिर हमने धीरे से इसको ग्रो किया, धीरे धीरे ये अब देखो काफ़ी अच्छे से बड़ा हो रहा है. और हमने एक पत्ता मनी प्लांट का लगाया. तो ऐसे हम मनी प्लांट को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं. और शिमला मिर्च आपको पता ही है हमने अभी लगाई थी. तो अच्छा सा लग रहा है ये कॉर्नर ना. और ऐसे कुछ छोटी छोटी चीज़ें आप करोगे ना तो लाइफ में आपको बहुत खुशी मिलेगी. एक्चुअली कोई बड़ी चीज़ नहीं होती जो आपको खुशी देती है, यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको एक्चुअल लाइफ का मतलब समझाती हैं और खुश रहना सिखाती हैं. मैं तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में भी खुश हो जाती हूँ. तो या मेरी एक अलग स्टोरी है. आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को क्या करना पसंद है जिससे आपको बहुत खुशी मिलती है. वीकेंड का एक सबसे बड़ा काम होता है कि जो भी मसाले, आटा, चावल, दाल, चीनी, जो भी आपका ख़त्म हो गया है ना, उसके डब्बे रिफिल करना. तो अभी मैं वही सब कर रही हूँ. एक्चुअली मेरे सारे डब्बे खाली हो रहे हैं, चावल का, आटे का, चीनी का, मसाला दानी जो होता है, मसाला दानी, वो पूरी मैंने फिल करके रखी है जिससे कि वीक आराम से स्मूथली निकले. और फिर मुझे ना बार 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 पैंट्री में हाथ ना डालना पड़े कि मेरा वो मसाला कहाँ है, वो मसाला कहाँ है. इसलिए मैं ये सब चीज़ें ना वीकेंड पे रेडी करके रख लेती हूँ. का बड़ा पनीर का ब्लॉक लेकर आते हैं ना और ये सोचते हैं कि इसे किस तरीके से स्टोर करें, तो मैं आपको बता देती हूँ. मैं ऐसे कर लेती हूँ, हाफ ऑफ ब्लॉक डिवाइड कर लिया और हाफ ब्लॉक मैं इस तरीके से ग्लास कंटेनर में कट करके रख लेती हूँ अपने फ्रिज में, क्योंकि मुझे यूज करना रहता है. तो मुझे पता है कि ये मैं एक से डेढ़ हफ्ते में यूज कर लूंगी. और इस तरीके से रखने से ना ये फ्रेश भी रहेगा. और जो हाफ ब्लॉक है ना, इस तरीके से मैं फॉइल पेपर या प्लास्टिक रैप लगा के वापस फ्रीजर में डाल देती हूँ, तो ये भी बिल्कुल खराब नहीं होता. तो जब मेरा फ्रिज वाला खत्म हो जाएगा, फिर से मैं इसे निकाल के डिफ्रॉस्ट करके इस तरीके से ग्लास कंटेनर में डाल दूंगी. तो इस तरीके से ना पूरा जो पनीर का ब्लॉक है ना, आपका बिल्कुल खराब भी नहीं होगा और फ्रेश रहेगा. तो देखो ये वाला जाएगा फ्रिज में और ये वाला जाएगा वापस फ्रीजर में. बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरे घर में लॉन्ड्री है कि नहीं, तो चलो मैं दिखाती हूँ कि हमारे अपार्टमेंट में किस तरीके की लॉन्ड्री है. घर में नहीं है हमारे यहाँ लॉन्ड्री, कॉमन लॉन्ड्री है. तो आप लोगों को अपना लॉन्ड्री भी दिखाती हूँ, आ जाओ. तो ये देखिए, ये है हमारा लॉन्ड्री रूम. यहाँ पे दो वॉशर्स हैं और दो ड्रायर्स हैं. तो डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी आप इन्हें यूज कर सकते. तो हमने कपड़े लोड कर दिए हैं और 36 मिनट्स की साइकिल है. तो अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने फ़ोन में अलार्म लगा लीजिए जिससे कि किसी और को इनकन्वीनियंस ना हो और आप ऑन टाइम जाए लॉन्ड्री रूम में और अपने कपड़े ट्रांसफर कर दें ड्रायर में. लंच में मैं तुअर दाल बना रही हूँ. तो दाल मैंने बॉईल कर ली है हल्दी और नमक डाल के. और अब हम यहाँ पे कर रहे हैं इसका तड़का तैयार. तो तड़के के लिए मैंने थोड़ा सा घी ले लिया है और अभी घी गर्म होगा तब तक मैंने ये सब चॉपिंग कर ली है. ग्रीन चिली है, थोड़ी सी मैंने कच्ची हल्दी ली है
क्योंकि गोविंद हल्दी का दूध नहीं पीता और उसका थ्रोट मुझे ठीक रखना है विंटर्स में, तो दाल में डाल देती हूँ। इससे कलर भी अच्छा आता है और टेस्ट भी चेंज नहीं होता। तो ये मैंने ले ली है गार्निश करने के लिए धनिया पत्ता और करी लीव्स। तो अगर आपके बच्चे भी हल्दी का दूध नहीं पीते हैं और आपको उनकी डाइट में इंक्लूड करना है, तो आई वुड सजेस्ट आप सब्जियों में इस तरीके से ग्रेट करके डाल सकते हैं। और ये देखिए हमारी रेडी हो गई है यम्मी सी लंच की थाली। सिंपल सा लंच है, दाल है, रोटी है और धनिया पुदीना की हरी चटनी मैंने बनाई है। सो फाइनली अब मेरा सारा काम जाके ख़त्म हुआ है। शाम का 4:15 बज गया है और अब बैठ के थोड़ी सी फुर्सत लेने का टाइम मिला है। एक्चुअली वीकेंड्स पे होता क्या है कि काम लेट स्टार्ट होता है और फिर लेट ही ख़त्म होता है, क्योंकि और भी इतने सारे काम बीच बीच में हम करने लग जाते हैं तो सारा स्केड्यूल ऊपर नीचे होता रहता है। बट गोविंद को मैंने लंच करके सुला दिया था बिकॉज उसका कल से स्कूल स्टार्ट हो रहा है और जिस दिन स्कूल होता है ना उसको थोड़ा सा वापस से एनर्जी में आने में ना मॉर्निंग में टाइम लगता है, इसीलिए उसकी नींद पूरी रहे, वो फुल ऑन एनर्जी में रहे, इसीलिए दोपहर में अब सोना बहुत ज़रूरी है उसका। तो बस थोड़ी देर बाद उठा दूंगी जिससे कि रात में भी वो टाइमली सो जाए। तो या यही सिंपल सा मेरा रूटीन रहता है, यही मेरी सिंपल सी लाइफस्टाइल है जो मैं इस चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको ऐसे सिंपल सिंपल व्लॉग्स देखना पसंद है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बने। आप लोग मुझे बोल रहे थे कि आप लोगों को यूट्यूब के नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहे मेरे वीडियोज़ के, तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और इन केस तब भी आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहे तो यूट्यूब पे कई बार बहुत सारे ग्लिचेस हो जाते हैं जिसकी वजह से नोटिफिकेशंस नहीं जाते हैं। एंड रिसेंटली मैंने देखा कि मेरे वीडियोज़ में ना व्यूज़ भी काफ़ी ड्रॉप हो गए, तो एज अ क्रिएटर ये मुझे भी हर्ट करता है कि व्यूज़ ड्रॉप हो रहे हैं, मेरी वीडियोज़ मेरे सब्सक्राइबर्स तक पहुँच ही नहीं रही है, मेरे व्यूअर्स तक पहुँच ही नहीं रही है। सो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को चैनल पे आके एक बार चेक कर लिया करिए। मैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 7 PM पर वीडियो लाइव करती हूँ, तो शाम को अगर आप इंडिया में हैं तो शाम को एक बार 7 बजे आकर वीडियोस को चेक कर लिया करिए, या फिर अगर किसी और कंट्री से भी आप देखते हैं तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 7 PM के अकॉर्डिंग आप ट्यून इन कर लिया कीजिए एक बार चैनल पे। चैनल पे मैं कोशिश करती हूँ कि वीकली 4 to 5 वीडियोस पुट करूं आप लोगों के लिए। सो या मैं भी बहुत मेहनत कर रही हूं आप लोगों के लिए, सिंपल सिंपल कंटेंट है जो मेरी लाइफस्टाइल है, बिल्कुल ओपन बुक की तरह मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूं। एंड आई नो जो लोग देखते हैं बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत सारा प्यार मुझे मिलता है आप लोगों का जिसकी वजह से यू नो बहुत मोटिवेशन मिलता है। ऑल दो व्यूज़ कम रहते हैं तो कभी कभार हार्ट ब्रेकिंग भी होता है मेरे लिए कि यार इतनी मेहनत करके हम वीडियोज़ पुट कर रहे हैं बट शायद इतनी रीच ही नहीं हो पा रही है व्यूअर्स तक। बट ट्रस्ट मी जो आप लोग प्यार भेजते हो ना मुझे मेल्स में, मैसेजेस में, इंस्टाग्राम मैसेजेस में, उससे ना मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ इसी तरीके से अपना प्यार भेजते रहिए और मैं बस यही कामना करूँगी कि 2020 में हमारी बहुत बड़ी फैमिली हो, हमारे चैनल पे बहुत सारे लोग जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। तो इसमें आप लोगों का भी योगदान रहेगा, आप लोग शेयर कीजिए वीडियोस जितना शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड इसी के साथ आप लोगों से इस वीडियो को बंद करने की विदा लूँगी और फिर से मिलूंगी एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप ढेर सारा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा क्योंकि मैं डेली अपडेट्स वहाँ पे बहुत सारे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर बींग द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल फैमिली। यू ऑल मेक दिस ब्यूटिफुल फैमिली। थैंक यू सो मच। बाय बाय।